आरती व उसकी पत्नी की हत्या के बाद शनिवार को गमगीन माहौल में दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मंडी में इस घटना के विरोध में हर आरती ने अपनी दुकान बंद रखी और धान की खरीद का काम शनिवार को पूरी तरह से ठप रहा। तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि मंडी में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। एक भी नई धान की ढेरी शनिवार को मंडी में दिखाई नहीं दी। बताया तो यह भी जा रहा है कि आरती व उसकी पत्नी की हत्या उन्हीं के किसी जमींदार ग्राहक ने की है। यह तो पुलिस ही खुलासा करेगी कि हत्या किसने की है, लेकिन आड़तियों ने मंडी बंद रखकर अपनी एकजुटता का परिचय दिया है। नई अनाज मंडी में आप देख सकते हैं कि मजदूर ताश खेलते टाइम पास कर रहे हैं। आड़तियों का कहना है कि सत्यवान इतना शरीफ इंसान था कि उनका किसी विवाद नहीं था, लेना देना ही था तो हत्यारे को बैठकर बात ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आड़ती व उसकी पत्नी की बेरहमी से हत्या नहीं करनी चाहिए थी। इस घटना से सभी आड़तियों में रोष है। अब आड़तियों ने भाजपा नेताओं व पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद 5 दिन का समय दिया है। 5 दिन तक यदि हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए तो पूरे शहर को बंद करवाने का फैसला लिया जाएगा। मंडी के प्रधान श्यामलाल गर्ग ने कहा कि इस कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। आइए बात करते हैं मंडी प्रधान श्यामलाल। जी प्रधान जी, जैसे आज मंडी बंद रही कल वाली घटना के विरोध में, तो आगे क्या निर्णय लिया जाएगा और क्या कुछ प्रशासन से या विधायक जी से क्या कुछ वार्तालाप हुई है? आज सुबह 9 बजे हमारे विधायक लीलाराम जी अस्पताल में आ दिए थे जी। और उन्होंने SP साहब को भी बुला लिया था वहीं पर। पूरा आश्वासन दिया उन्होंने भाई, हम कातिल को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, हम कातिल के बहुत नज़दीक हैं। SP साहब ने कहा भाई कातिल के बहुत नज़दीक हैं और जल्दी पकड़ लेंगे और पूरी कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मतलब कितने दिन का आश्वासन दिया है उन्होंने? तो बहुत जल्द कहा पकड़ लेंगे जी। चलो हमने फिर बाद में अनिल जैन जी भी आगे थे, अनिल जैन जी भी यही कह के गए हैं भाई बहुत जल्दी पकड़ लेंगे और बहुत इंसाफ होगा, पूरा इंसाफ होगा आपके साथ। तो अब मंडी का आड़तियों का क्या कुछ है? मंडी के आड़तियों ने आज मंडी बिल्कुल बंद रखी है जी। कल को मंडी खोल लेंगे जी। 5 दिन का मतलब है मंडी वालों ने प्रशासन को फैम दिया है जी। 5 दिन के बाद अगर नहीं पकड़ा गया तो हम पूरा शहर बंद करते हैं। सर जैसे SP साहब भी हॉस्पिटल में पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया? SP साहब ने यही कहा था कि हम कातिल के बहुत नज़दीक हैं जी और बहुत जल्द उसको गिरफ्तार कर देंगे जी। आपको पूरा इंसाफ मिलेगा। ये धान खरीद को लेकर मंडी क्या कुछ तैयारियां हैं? कल जो कृषि मंत्री बस आज मंडी बिल्कुल बंद थी, कल को मंडी खोल देंगे जी। और 5 दिन का फेम दिया है हमने प्रशासन को, 5 दिन के बाद नहीं तो जाम करेंगे हम जी। अच्छा जो बोली की बात है जी। अभी तो कोई भी तैयारियां नहीं है मंडी में। कल मंत्री जी आए थे मंडी में, हमें कोई पता नहीं लगा, किसी को कोई पता नहीं लगा इस बारे में जी। सिर्फ मार्केट कमेटी के ऑफिसर थे वहाँ, आदित्य कोई नहीं था, किसान कोई नहीं था जी। मतलब जो मंत्री जी का दौरा था वो मंडी की व्यवस्था देखने के लिए था और मंडी में उन्होंने चक्कर नहीं लगाया, वहीं बैठ के चले गए। वहीं बैठ के चले गए, हमें कोई पता नहीं लगा इस चीज़ का। तैयारी कोई नहीं है, ना तो कोई माल भी नहीं आया हुआ अभी तो जी, और ना कोई प्रशासन की तैयारी है अभी तक जी। कोई भी एजेंसी माल खरीदने के लिए नहीं आई है मंडी।